अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू जी वर्ल्ड। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। एक तो आप अपना कोरोना से भी ख्याल रख रहे होंगे और दूसरा कराची वाले हो जाएं तैयार बारिश से अपना ख्याल रखने के लिए। जैसे कि कराची वालों को तो पता होगा कि आज जो है वो बारिश एकदम से स्टार्ट हो गई, बादल आए और बारिश एकदम से स्टार्ट हो गई। तो हम भी फिर फौरन भागे सारी चीज़ें एक जगह करने के लिए, क्योंकि पानी फिर फौरन आ जाता है। बारिश जो होती है ना, वैसे तो वो कहते हैं कि अल्लाह की जो है वो रहमत होती है, लेकिन कराची वालों के लिए ख़ास तौर पे तो जहमत बन जाती है हर बारिश। हम तो वैसे भी बेचारे ऐसे हैं जिनको बारिशें कम मिलती हैं, और जब मिलती हैं तो फिर हमारे जो हैं वो रोड भर जाते हैं पानी से। वैसे तो कहते हैं कि बारिश जब आए तो इन्जॉयमेंट करो घर वालों के साथ, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, पकोड़े बनाए जाते हैं, लेकिन सिर्फ 20% जो लोग हैं ना उनके लिए बारिश इन्जॉय करने वाली चीज़ है। और वो 20% कौन है? वैसे ये है कि मैं आपसे बातें कर रही हूँ, इधर मेरे ख़्याल से लड़के कुछ बारबेक्यू कर रहे हैं, तो आपको गानों की शायद पीछे से आवाज़ें आएँ उनकी आवाज़ों, अच्छा गाना गा रहे हैं अच्छी आवाज़ में। मैं कहाँ थी, मैं ये कहती 20% जो है ना लोगों के लिए बारिश इन्जॉयमेंट का होता है, और वो 20% कौन होते हैं? वो होते हैं हमारे बच्चे, हमारे घर के बच्चे। उनके लिए बारिश जो है ना बहुत इन्जॉयमेंट वाली चीज़ है, सिर्फ वो इन्जॉय करते हैं। बाकी जो 80% लोग हैं ना, मेरे ख़्याल से 80% लोग जो हैं उनको ये फिक्र होती है कि बाहर हैं तो घर कैसे जाएंगे, पानी भर जाएगा रोडों पे, घर में पानी भर जाते हैं, पानी आना है, उनको निकालना है, ये सारी टेंशन रहती है। इस टेंशन में तो हम भी हैं सुबह से। वैसे तो हमारे घर में कल से काम हो रहा है, तो आपको चेहरे से लग भी रहा होगा कि थके हुए हैं, काम हो रहे हैं। क्या काम हो रहे हैं ठहरे, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एक जो है ना वो ये दरवाज़ा लगा है, उस पर कलर हो रहे थे, ये देखें, ये सारा जो है ना वो दरवाज़े खिड़कियाँ लगी हैं। खिड़कियाँ तो पहले से लगी हुई थी, ये ऊपर के लगाएं क्योंकि पानी अंदर जा रहा था, तो उस वजह से जो है वो ये लगवाए हैं ये सब, ताकि पानी अंदर ना जाए, लेकिन फिर भी पानी मुझे लगता है अंदर जाएगा। बाकी मौसम आज बहुत अच्छा हो रहा है। मैं अगर आप लोगों को दिखा सकूं और आप लोग देख सकें, ये देखिए, ये देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा है। बस दुआ यही है कि बारिश हो तो वो हमारे लिए बारिश से रहमत हो, बारिश से जहमत ना हो। और लोग जो है वो काफ़ी फिर करंट लगने से भी उनके इंतकाल हो जाते हैं, ये भी बहुत सैड न्यूज़ होती है। जब हम बारिशों के बाद जब न्यूज़ लगाते हैं तो इस तरह की कोई न्यूज़ सुनने को मिलती है। आप लोगों को कभी अर्थ लगा है? मुझे तो बचपन से अर्थ लगते आ रहे हैं, मतलब कभी ना कभी प्लग से अर्थ आ जाता है, कोई तार से अर्थ आ जाता है। अभी लेटेस्ट जो मुझे अर्थ लगा है ना, मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा जिसको कहते हैं ना, जो बहुत मुझे लगा झटका महसूस हुआ, वो मुझे अभी ये जो पिछले दिनों में जो बारिशें हुई हैं ना उसमें महसूस हुआ है। और वो कहाँ से हुआ है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, शेयर करती हूँ। उसने तो बिल्कुल मुझे हिला कर रख दिया। वो जगह है ये अगर आप देख सकते हो, यहाँ पे तार है हमारे, यहाँ पे जब दीवार थी यहाँ पे, तो दीवार यहाँ से हटा दी, तो हमने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन जो काम कर रहे थे उन्होंने यहाँ से तार निकाल दी कि हम यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे, फिर भूल गए तो उन्होंने टेप लगा दी। अब जब उन्होंने टेप लगा दी, बारिशें आई, गर्मी आई, तो वो टेप उतर गई, पता नहीं चला। तो मैं एक दिन यहाँ पे टेक लगा के बड़े मज़े से खड़ी हुई थी और काम करवा रही थी, सफाई वगैरह, बारिश हो रही थी और यहाँ सब पानी जमा था। मैं जैसे ही आगे जाने लगी हूँ यहाँ पे, तो मैं जो है ना बस 2 सेकंड के लिए तो मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे पकड़ ही लिया है, मतलब आगे मुझे जाने नहीं दे रहा, पूरा पाँव से लेकर शोल्डर तक अर्थ मुझे महसूस हुआ है। तो मुझे तो अगर कहते हैं ना कि वो आपको आपकी नानी याद आ जाती है, मुझे तो मेरी नानी बिल्कुल याद आ गई थी।
सो इसी तरह अगर मेरी तरह भी आप लोगों को अर्थ लगे हैं तो आप भी ज़रूर बताइएगा और कमेंट में कि किस तरह, मतलब वैसे तो अल्लाह खैर ही करे, सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, लेकिन थोड़े बहुत जो अर्थ लगते रहते हैं, जो ज़्यादा मेरी लाइफ का जो मुझे बचपन से लेके अब तक अर्थ लगते आए हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा अर्थ था, ज़्यादा जो मुझे लगा। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कितना, कैसे अर्थ लगता रहा, मतलब ज़ोर का झटका लगा, हल्का लगा, कैसा लगा। ये सामने हमारे घर हैं, उन लोगों ने ये कबूतर जो है ना वो पाले हुए हैं, ये इस तरह शाम में उड़ते रहते हैं और सबके ऊपर जो है ना वो ग्रीन कलर का कलर हुआ हुआ है परों पे, ताकि उनको निशानी हो के ये हमारे हैं। गाइस, मैंने आप लोगों को अपना नाम बताया था फर्स्ट व्लॉग में अपने, कि मेरा नाम ज़रीन है, तो आप लोग मुझे मेरे निक नेम से भी बुला सकते हैं, जी, आप लोग मुझे जी भी कह सकते हैं। इसी नाम पे मैंने अपना चैनल भी बनाया है, और क्योंकि ज़रीन कहना, या कुछ लोग ज़रीन कहते हैं, कुछ लोग ज़री कहते हैं, तो आप लोग मुझे सिंपल जी कह सकते हैं, शॉर्ट भी रहेगा, सिंपल भी रहेगा और इजी भी रहेगा लेने में नाम, और एक निक नेम हो जाएगा ये मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए। मुझे कोई ज़रीन कहता है, कोई जी कहता है, फ्रेंड्स मुझे जीनू कहती हैं, तो आप लोग मुझे जी भी कह सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। ते होवे पई बारिश, तेरी याद करे पई साजिश, नाले दिल दिए फरमाइश, तू एक बारी आ जावे ते दिल जरा लग जावे, जे एक बारी आ जावे ते दिल जरा लग जावे। गाइज़, हवा बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छा मौसम है, और अभी इस टाइम मैं इसलिए छत पे आई हुई हूँ मौसम को एंजॉय करने के लिए। नीचे घर में काम हो रहा है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या काम हो रहा है। बहुत टेंशन हो जाती है जब घर में काम हो रहा है, क्योंकि एक तो गर्मी है और जब घर में काम हो रहा हो फिर यहाँ जाओ वहाँ जाओ ये करो वो करो, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो करनी पड़ती हैं। सो गाइज़, मैं उम्मीद करती हूँ कि कराची वाले जो है ना इस मौसम को बहुत इंजॉय कर रहे होंगे और साथ साथ दुआएं भी कर रहे होंगे कि अल्लाह पाक इस बारिशों में जो है ना सबको खैर खैरियत से रखे, कोई नुकसान ना हो, जानी नुकसान ना हो, माली नुकसान ना हो, और बस इस मौसम को, बारिश को इंजॉय करने का मौका मिले। कराची वालों को यही दुआ करनी चाहिए और हम भी यही दुआ करते हैं। बाकी ये है कि कहाँ कहाँ मौसम अच्छा है, कहाँ कहाँ आप लोगों के शहर में बारिश हो रही है, मुझे ज़रूर बताइएगा। अब मैं लेती हूँ इजाज़त, क्योंकि आज मुझे बस थोड़ी सी आपसे बात करनी थी। इंशाल्लाह अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊँगी कि घर में नीचे क्या काम हो रहे हैं, क्या घर फैला हुआ है पूरा। तो बस मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, ये देखें अभी मेरे हाथ से कैमरा जो है ना, ये मेरा मोबाइल फिसलने वाला था। असल में आज मुझे जाना भी था सदर ट्राईपॉड लेने के लिए, स्टैंड लेने के लिए, लेकिन बस वो एकदम बारिश का हुआ, गर्मी बहुत थी सुबह और फिर एकदम बारिश का हुआ तो नहीं जा सकी, लेकिन मैं जाऊंगी, मुझे ट्राईपॉड लेना है और एक मुझे जो है ना वो स्टैंड लेना है, और हाँ मुझे एक दो चीज़ें लेनी है, ताकि एक तो हाथ भी दुख जाता है ना इसका मोबाइल पकड़ पकड़ के। तो बस ये है कि मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें, और दूसरा ये है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वही बात है, आप मेरी YouTube फैमिली है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और मुझे बिल्कुल एक फैमिली की तरह गाइड करेंगे, जैसे कि मैं हमेशा कहती आई हूँ। तो चलें मौसम को एंजॉय करते हैं और फिर इंशाल्लाह ज़रूर मिलते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।